नमस्कार दोस्तों, तो आज ये हमारा ये अगला वीडियो है ब्लोच थ्योरम। ब्लोच थ्योरम जो है ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म को डिफाइन करता है। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में पीरियोडिक फंक्शन के लिए मूव करता है तो उस पीरियोडिक फंक्शन के लिए जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शन का फॉर्म क्या होगा, वो किस तरह से मूव करता है, इसको डिफाइन करता है ब्लोच थ्योरम। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इस तरह के इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है, तो वन डायमेंशन के लिए जो श्रोडिंगर इक्वेशन होगा दोस्तों ये इस तरह से होगा। ये श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है जो कि आप जानते होंगे। यहाँ पर जो वी एक्स है ये ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। अगर डिस्टेंस ओरिजिन से एक्स प्लस ए हो तब इसका पोटेंशियल होगा वी एक्स प्लस ए। अर्थात ब्लोच थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू और ओरिजिन से एक्स प्लस ए डिस्टेंस पे पोटेंशियल जिसको हम भी एक्स प्लस ए से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों की वैल्यू सेम होगी, जहां पर ए जो है ये लैटिस कांस्टेंट है। तो ब्लोच थ्योरम यही कहता है कि वी एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस वन, एक्स डिस्टेंस या एक्स प्लस ए डिस्टेंस पर पोटेंशियल इक्वल होगा जहां ए लैटिस कांस्टेंट है। और हम ये देखते हैं कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इस का जो सोल्यूशन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया साई इक्वल टू ई प्लस माइनस आई के एक्स यू के एक्स, जहां पे यू के एक्स और यू के एक्स प्लस ए दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये जो यू के एक्स होता है इसको हम ब्लोच फंक्शन कहते हैं। और इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है कि एक्स डिस्टेंस पे यू के फंक्शन और एक्स प्लस ए डिस्टेंस पे यू के फंक्शन दोनों की वैल्यू सेम होगी, इस स्टेटमेंट को हम ब्लोच थ्योरम कहते हैं। यह जो सोल्यूशन है ये प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करता है जिसको फंक्शन यू के एक्स के द्वारा मॉडुलेटेड किया जाता है। मॉडुलेशन का मतलब होता है कि उसमें ओवरलैप किया जाता है, उसके द्वारा एक्सप्लेन्ड होता है और दोनों की पीरियोडिसिटी सेम होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये ब्लोच थ्योरम कहलाता है ये स्टेटमेंट। और ये जो फंक्शन है यू के एक्स इक्वल टू यू के एक्स प्लस ए ये ब्लोच फंक्शन कहलाता है। अब हम ब्लोच फंक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे कि यदि फंक्शन साई एक्स है और एक्स प्लस ए डिस्टेंस पे फंक्शन साई एक्स प्लस ए है तो साई एक्स प्लस ए इक्वल टू होगा ई टू द पावर आई के एक्स प्लस ए यू के एक्स प्लस ए, और इसको हम साई एक्स ई टू द पावर आई के ए से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोस्तों थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम होने के कारण मेरी आवाज डिफरेंट है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं ब्लोच थ्योरम। इसी को हम साई एक्स प्लस ए इक्वल टू क्यू साई एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे क्यू इक्वल टू ई टू द पावर आई के ए होगा। अब हम प्रूफ करेंगे। तो हमने मान लिया कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स और एक फंक्शन जी एक्स है जो दोनों रियल इंडिपेंडेंट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है। तब x प्लस ए और x जी एक्स प्लस ए के अकॉर्डिंग फंक्शन होगा एफ एक्स प्लस ए और जी एक्स प्लस ए, ये भी उसी श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। मतलब अगर वो ब्लोच थ्योरम है तो जी एक्स एफ एक्स और एफ एक्स प्लस ए और जी एक्स प्लस ए दोनों श्रोडिंगर इक्वेशन के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने मान लिया कि एफ एक्स प्लस ए इक्वल टू अल्फा वन एफ एक्स प्लस अल्फा टू जी एक्स और जी एक्स प्लस ए इक्वल टू बीटा वन एफ एक्स प्लस बीटा टू जी एक्स, जहां पर अल्फा वन अल्फा टू बीटा वन बीटा टू जो है ये रियल फंक्शन है, इनर्जी का ये रियल फंक्शन है। तब श्रोडिंगर इक्वेशन को जो
वेव फंक्शन के टर्म्स में जिसको हम एक सॉल्यूशन कहते हैं एक्सप्लेन किया जा सकता है साई एक्स इक्वल टू ए एफ एक्स प्लस बी जी एक्स, जहां पर ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस तरह से साई एक्स प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा ए एफ एक्स प्लस ए प्लस बी जी एक्स प्लस ए। दोस्तों एक्स के लिए ये फार्मूला होगा और अगर एक्स प्लस ए करते हैं तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब इस तरह से जो इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 में ये जो एफ एक्स प्लस ए और जी एक्स प्लस ए की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा साई एक्स प्लस ए इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन होगा इसमें एफ एक्स प्लस ए और जी एक्स प्लस ए की वैल्यू पुट की गई है। यहां से हम क्या करते हैं एफ एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन, और जी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू आ जाएगा। दोस्तों ये ब्लोच थ्योरम की प्रॉपर्टी अब हम यूज करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा साई एक्स प्लस ए इक्वल टू क्यू ए एफ एक्स प्लस क्यू बी जी एक्स, जहां पर ए और बी कांस्टेंट होगा। अब इक्वेशन 9 और इक्वेशन 10 को यदि हम कंपेयर करते हैं तो ये हो जाएगा ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन इक्वल टू क्यू ए और ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू इक्वल टू क्यू बी। यहाँ पे ये 9 है और इसको कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा वन एफ एक्स अल्फा टू जी एक्स। यहाँ से ये कंपेयर किया गया इक्वेशन 9 और 10 को तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा ये वैल्यू और यहाँ से ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। हमने देखा कि कंपेयर करेंगे तो क्यू ए और क्यू बी आ जाएगा। इस तरह से जो इक्वेशन 11 है जिसमें ए और बी वैल्यू आती है, ये ए और बी जो है ये नॉन वेंसिंग वैल्यूज कहलाती हैं, मतलब ए और बी जो कांस्टेंट है ये इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, नॉन वेंसिंग होगा यदि इसका डिटर्मिनेंट्स ए और बी के कोफिशियंट का जो डिटर्मिनेंट्स है वो जीरो के इक्वल हो। इसको हम डिटर्मिनेशन के पार्ट में इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों ये नॉन वेंसिंग का एक कंडीशन होता है कि यहाँ पे नॉन वेंसिंग होगा, इसके लिए कंपलसरी है कि जो इसका डिटर्मिनेंट्स है वो ए और बी के कोफिशियंट का जो डिटर्मिनेंट्स है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से ये हो जाएगा अल्फा वन माइनस क्यू बीटा वन बीटा वन और अल्फा टू, फिर ये हो जाएगा बीटा टू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। यहां से इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। दोस्तों कुछ जगह ब्लोच थ्योरम को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन चूंकि हमारा एम है स्टूडेंट्स को एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराना, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम बच्चों को शॉर्टकट में एक्सप्लेन करें। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में दिया हुआ है, इसके कंडीशन भी डिफरेंट दिया हुआ है, तो हम ब्लोच थ्योरम स्टूडेंट के लिए शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, और इस ऊपर के इक्वेशन से जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि अल्फा वन बीटा टू माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू वन होगा। अब ये दोस्तों कंडीशन है, इसी कंडीशन को डिफरेंट वे में प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन हमने डायरेक्ट प्रोवाइड कराया है तो अल्फा वन बीटा वन माइनस अल्फा टू बीटा वन इक्वल टू वन होगा। तब इक्वेशन 10-12 को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ जो है इस वैल्यू को वन पुट कर देंगे तो क्या होगा। अब इस तरह से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रियल रूट्स हम कंसीडर कर सकते हैं, एक होता है क्यू वन और एक होता है क्यू टू, और जो उसका वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन भी दो होगा जो कि साई 1x और साई 2x के द्वारा एक्सप्लेन होगा। हम इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि q1 q2 इक्वल टू 1, और इस तरह हम देखते हैं कि एनर्जी के सर्टेन वैल्यूज के लिए जो अल्फा 1 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 4। दोस्तों हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में से ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, और एक होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। एक में हमें दो रियल रूट्स मिलते हैं और एक में हमें इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम
b square minus 4ac less than 0, मतलब b square less than 4ac का formula यूज करेंगे, तो ये आपका आएगा quadratic equation में, क्योंकि यहाँ पे b square minus 4ac की value 0 से छोटी होगी, इसीलिए जो कि formula में set करेंगे, तो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे a equal to 1 है, c equal to 1 है, और b की value है alpha 1 plus beta 1, तो b square minus 4ac की value set करेंगे, तो ये आएगा, और इस तरह से इसके दो roots जो होंगे, वो complex होंगे, और complex root होने के जो कि conjugate भी होंगे, और इसको हम इस तरह से explain कर सकते हैं, माना q1 first root eik है, और second root है e minus ika, तो चूंकि quadratic equation का हम जानते हैं कि formula होता है b square minus 4ac less than 0, और इसके लिए जो roots होते हैं वो complex होते हैं, और conjugate होते हैं, तब इस केस में दो values इस तरह से होंगे, और उनके जो wave function होंगे, वो wave function psi 1x और psi 2x होंगे, जिसको हम इस तरह से explain कर सकते हैं, psi 1x plus a equal to, हम ये प्रूफ कर चुके हैं पहले भी कि e psi 1x plus a equal to e to the power i k a psi 1x होता है, तो फर्स्ट वेव्स के लिए psi 1x होता है और सेकंड वेव के लिए psi 2x का यूज करते हैं, तो इस तरह दोस्तों सेकंड वेव फंक्शन के लिए psi 2x plus a equal to e to the power minus i k a psi 2x हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कि अगर हम अब दूसरा कंडीशन अप्लाई करें जिसमें b square minus 4ac greater than 0 होता है और इस कंडीशन पे दोनों रूट से रियल मिलते हैं, तो यहां अल्फा 1 plus बीटा 1 का होल स्क्वायर greater than 4 होगा, ये जो है एनर्जी के रीजन के लिए एप्लीकेबल होता है, तो यहां पे q1 और q2 जो दो रूट्स होते हैं दोनों रियल होते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं, इस तरह से जो हमें रूट्स फाइंड होते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि b square minus 4ac greater than 0 में हमें रियल रूट्स मिलते हैं, तब जो वेव फंक्शन होगा psi 1x e mu x u x and psi 2x e minus mu x u x, जहां पर mu एक real quantity है, यदि इसको mathematically explain करते हैं तो जो ये solution दिया होता है ये बिल्कुल applicable होता है, sound होता है, लेकिन ये acceptable नहीं होता है ना, but not accepted as wave function describing electron, क्योंकि जो ये जो real roots है वो किसी भी electron को describe करने के लिए वेव फंक्शन की तरह एक्सेप्टेड नहीं होता है, उसका कारण यह है कि इसके थ्रू जो एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा या पीरियोडिक पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी स्पेक्ट्रम होगा वो अलाउड और फॉरबिडन एनर्जी लेवल होता है, मतलब जब किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसमें दो एनर्जी लेवल होते हैं, एक होता है अलाउड एनर्जी लेवल और एक होता है फॉरबिडन एनर्जी लेवल, तो ये एनर्जी लेवल फॉरबिडन एनर्जी रीजन या फॉरबिडन एनर्जी बैंड्स भी कहते हैं, तो इस तरह से दोस्तों हम जानते हैं कि जब म्यू का कॉम्प्लेक्स वैल्यू होता है, जब रीजन म्यू के कॉम्प्लेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है तब वो अलाउड एनर्जी बैंड कहलाता है, और जब वो उसका रियल वैल्यूज एक्सप्लेन रिप्रेजेंट करता है तब वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहलाता है। हमने अभी-अभी देखा कि यहां पर अगर हम इसको रियल क्वांटिटी लेते हैं तो ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, अर्थात ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए फॉरबिडन गैप को शो करता है, और इसके पहले जो हमने कंडीशन देखा कि b square minus 4ac less than 0 जिसमें अल्फा 1 plus बीटा 2 का होल स्क्वायर less than 4 है, जो कि हमने अभी-अभी देखा इस केस की यहां पर है, तो इस केस में जो रूट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, अर्थात ये अलाउड एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है और कांसेप्ट जो है फॉरबिडन एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है। हम जानते हैं कि जब किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दोनों एनर्जी लेवल होते हैं, जिसमें अलाउड एनर्जी लेवल भी होता है और फॉरबिडन एनर्जी लेवल होता है। फॉरबिडन एनर्जी लेवल क्या कहलाता है दोस्तों, वैलेंसी बैंड और बैलेंस बैंड और आपका
कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी लेवल है उसे हम फॉरबिडन एनर्जी लेवल का या फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। पर तब वह एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है उस रिक्वायर्ड एनर्जी को फॉरबिडन एनर्जी बैंड कहते हैं। इसको ब्लोच ने अपने फंक्शन में एक्सप्लेन किया कि ये रियल क्वांटिटी के द्वारा एक्सप्लेन होगा। दोस्तों इसमें कई तरह के कंडीशन दिए हुए हैं, हमने इसको शॉर्टकट में एक्सप्लेन किया है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दोस्तों आप सभी को धन्यवाद, हमारे आज लगभग 1000 सब्सक्राइबर हो रहे हैं और हमारा वॉच आवर भी सफिशियंट है। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे यही हम आशा करते हैं। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सभी को धन्यवाद। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करें दोस्तों, हमसे जुड़े रहें, हम आपका सहयोग करते रहेंगे, यही आपका हमारा संबंध बना रहेगा। धन्यवाद।